नाचन विधानसभा क्षेत्र के ब्रिकमणी पंचायत के दूर दराज क्षेत्र चौकड़ी में हाई स्कूल खुल गया है। स्कूल का विधिवत शुभारंभ बुधवार को एससी एसटी विकास निगम के चेयरमैन टेकचंद डोगरा ने की। स्कूल का विधिवत शुभारंभ होने से क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अब मीलों पैदल नहीं जाना पड़ेगा और घर द्वार पर ही बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाएगा। स्कूल का शुभारंभ होने के बाद क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। उद्घाटन समारोह पर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने टेकचंद डोगरा का फूलमालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर टेकचंद डोगरा ने स्थानीय लोगों को चौकड़ी स्कूल का दर्जा बढ़ाने की बधाई दी। साथ ही उन्होंने स्कूल का दर्जा बढ़ने के लिए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ब्रिकमणी पंचायत का चौकड़ी गांव नाचन क्षेत्र का बहुत ही दुर्गम गांव है और यहां के बच्चों को दसवीं की पढ़ाई के लिए मीलों पैदल सफर कर चैल चौक, रजवाड़ी या फिर हटगाड़ जाना पड़ता था, मगर अब स्कूल का दर्जा बढ़ने से यहां के बच्चों को घर द्वार पर आसानी से दसवीं तक की शिक्षा हासिल हो जाएगी। टेकचंद डोगरा ने कहा कि नाचन हल्के में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने बीते 4 सालों में अभूतपूर्व विकास करवाया है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही सलवाहण पंचायत में मुख्यमंत्री की एक विशाल जनसभा कराई जाएगी, जिसमें हटगाड़ में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए मुख्यमंत्री से अपील की जाएगी ताकि इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए मंडी या सुंदरनगर ना जाना पड़े। आज खुशी का मौका है कि राजकीय माध्यमिक पाठशाला चौकड़ी का दर्जा स्तरोन्नत हुआ स्कूल तक। इसके लिए ब्रिकमणी पंचायत के सभी लोगों को हम बधाई देते हैं। जहाँ इन लोगों को बधाई देते हैं वहाँ हम राजा वीरभद्र सिंह जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी असीम कृपा से ये दिन देखने को मिला है। आज काफ़ी जनसमूह जो है महिलाओं का है, इससे साबित होता है कि आज बहुत बड़ी प्रसन्नता है। और जहाँ तक शिक्षा क्षेत्र की बात है, शिक्षा के क्षेत्र में नाचन क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है और स्कूलों के दर्जे बढ़े हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री का जो पिछले साल दौरा लगा था उसमें 18 स्कूल घोषित किए थे, उसमें से अंतिम चरण में ये चौकड़ी भी हाई स्कूल बना। इसकी मैं यहाँ के लोगों को बधाई देता हूँ और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। हम बड़ी जल्दी ही मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि उनका शीघ्र इस क्षेत्र में दौरा लगे, जिसका केंद्र बिंदु हम हटगढ़ में रखेंगे और शिक्षा बहुत बड़ा शिक्षा संस्थान भी मांगेंगे, डिग्री कॉलेज भी मांगेंगे राजा वीरभद्र सिंह जी से। हमें पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे तो ये आशीर्वाद भी हम लोगों को